नमस्कार। मध्य प्रदेश के गुना जिले में निर्वाचन अधिकारी ने सबसे बुजुर्ग महिला मतदाता को ढूंढ निकाला है। जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के सिमरौद गांव की निवासी जबरी बाई की उम्र 113 वर्ष है। आदिवासी महिला जबरी बाई जिले की सबसे बुजुर्ग मतदाता बन गई हैं। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह व जिला पंचायत CEO प्रथम कौशिक ने बुजुर्ग महिला के घर पहुंचकर जबरी बाई का सम्मान किया। जबरी बाई सिमरौद गांव की निवासी है। आदिवासी समाज की जबरी बाई 100 साल की उम्र को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। अब वे 113 वर्ष की हैं। जबरी बाई पहले भी मतदान कर चुकी हैं। सिमरौद गांव में आदिवासी समाज मतदान के प्रति प्रतिबद्ध है। पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, सभी में ग्रामवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गुना कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गुना जिले के सबसे बुजुर्ग महिला मतदाता जबरी बाई का सम्मान किया गया है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिले भर में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल गुना सीट पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं 3 जिलों के इस संसदीय क्षेत्र में नॉमिनेशन 12 अप्रैल से शुरू होकर 19 अप्रैल चलेंगे। नामांकन की स्क्रूटनी 20 अप्रैल और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल होगी। वहीं 7 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को इसके नतीजे आ जाएंगे।